हेलो बच्चों, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। इसके पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 11 अपलोड कर दिया है। अगर उसमें कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। आओ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 है क्या बच्चों। काजर, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश वाले एक त्रिज्या खंड में इतने किलोमीटर की दूरी 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग प्रकाश फैलाता है। एक लाइट हाउस इतने पावर का लगा है कि इतनी दूरी तक लाइट का प्रकाश फैलता है। तो देखिए बच्चों, हमें दिया क्या गया है और निकालना क्या है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। कहाँ तक लाइट का प्रकाश जाता है उस एरिया का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। हमें क्या दिया है, लाल रंग का प्रकाश फैलने की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा त्रिज्या खंड की त्रिज्या खंड की त्रिज्या। तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 16.5 किलोमीटर। और हमें क्या दिया है, कोण दिया है थीटा का, मान दिया है थीटा, हमें दिया गया है 80 डिग्री। अब हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। त्रिज्या खंड के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बच्चों होता क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारा। थीटा बच्चों में दिया गया है 80 है और टोटल 360 डिग्री एंगल। पाई की जगह हमें ये वैल्यू लिखनी है, क्वेश्चन में दिया गया है 14, और आर की जगह हमें ये दिया है आर स्क्वायर। तो इसको दो बार लिख लेंगे या स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब ये जीरो हमारा कैंसिल, 4 के टेबल से काट दो। 4 2 जा 4 9 जा, ये 9 है बच्चों, और ये हमारा 2 आया, 2 लिख दिया, 3.14 बचा इंटू 16.5 इंटू 16.5 अपॉन आ रहा है 9। अब हम क्या करेंगे, जो कैंसिल और होने वाला है उन्हें भी कैंसिल कर देते हैं। इसको देखते हैं, पॉइंट हटा दिया, नीचे क्या आ गया 10, ये भी हटा दिया, एक और आ गया। अब ये 5 से कट रहे हैं तो काट देते हैं, 5 2 जा 10 और 0 लगा दिया, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये भी 5 से हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 33 ऊपर आ गई। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, ये भी हो रहा है, इसे भी कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा, और ये क्या आ जाएगा, 2 1 जा, पॉइंट हटा के ऊपर गया, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये हमारा आ गया। अभी ये 3 से कैंसिल होगा, इसको भी कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आया। अब इसको लिख लेते हैं, 1.57 × 11 और मल्टीप्लाई बाई 33 अपॉन क्या बच रहा, 3 अपॉन क्या बचा, 3 बचा, जिससे वो भी कट जाता, तो यहां पर 3 लिख लिया।
इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ गए। अब 11 से मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा, 157 इंटू 11 इंटू 11। अब 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए 11 7 77, ठीक। 11 5 55 में अगर हम 7 मिला दें तो क्या होगा, 60। क्या 11 5 55 हुआ, 7 और मिला दो, क्योंकि 11 7 77 हुआ था कैरी, तो 7 5 12 ये कितना हो गया, 62 का 2 लिखेंगे, कैरी हमारी 6 हो जाएगी। 11 1 11 11 में 6 जोड़ दिया, 17 पॉइंट लगा दिया, दो डिजिट बाद है फिर 11। अब 11 से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 7 कितना हुआ, 77, कैरी 7 हो गई। 11 2 20 2 22 में अगर 7 हम मिला दें तो 29 हो गया, ठीक, कैरी 2 हो गई। 11 7 77 77 में 2 मिला दिया, 79, कैरी कितनी हो गई हमारी, 7। और 11 1 11 11 ये कितना आ जाएगा, 18। 11 1 11 7 कैरी और जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। पॉइंट हमारा कितने बजे, 2 डिजिट बाद था तो 2 डिजिट बाद लगा दिया, ये आ गया। इतने किलोमीटर स्क्वायर तक लाल रंग के प्रकाश का जो रोशनी होगी इतनी दूर तक जाएगी। क्या बताना था, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, तो वो इतना ये होगा, वो एरिया कौन सी कितनी आएगी, 189.87 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक तो बनता ही है बच्चों। हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।